क्या शैतान के वसवसों से हम बच सकते हैं? जब भी हम नमाज का इरादा करते हैं तो शैतान अपनी पूरी ताकत लगा देता है हमारा ध्यान भटकाने के लिए, और पूरी कोशिश करता है कि वो हमारा ध्यान भटका दे। तो क्या शैतान के इस वसवसों से हम बच सकते हैं? कुछ ऐसा ही बहस एक बादशाह के दरबारी कर रहे थे। आइए ये पूरा किस्सा सुनते हैं। एक बादशाह के दरबार में कुछ दरबारी इस बात पर बहस कर रहे थे, नमाज के दौरान शैतान हमारा ध्यान अल्लाह की तरफ से मोड़कर दुनिया की तरफ ले जाता है, जबकि बादशाह इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था। बादशाह का कहना था कि अगर इंसान के दिलों में अल्लाह का खौफ हो, इंसान अकलमंद हो, जन्नत जहन्नम के फर्क को जानता हो, तो नमाज के दौरान ऐसे शैतानी ख्याल को दिल में आने ही ना देगा। लेकिन दरबारी इस बात को मानने को तैयार ही ना थे। बादशाह ने उन लोगों को अमली तौर पर समझाने के लिए एक तरकीब सोची। बादशाह ने सभी दरबारियों को बुलाया और उन सबके हाथों में एक पानी से भरा प्याला दिया और कहा, इस पानी से भरे प्याले के साथ आप सब लोग बाजार का एक चक्कर लगा कर आए, मगर ध्यान रहे प्याले में से पानी का एक बूंद भी नीचे जमीन पर गिरना नहीं चाहिए, वरना आपकी गर्दन कट कर गिर जाएगी नीचे। और बादशाह ने उन दरबारियों के पीछे अपने जल्लाद छोड़ दिए और हुक्म दिया कि अगर किसी के प्याले में से एक बूंद भी पानी नीचे गिरा तो उसकी गर्दन उड़ा देना। साथ ही बादशाह ने ये ऐलान भी किया कि तुम लोगों में से जो भी सही सलामत बाजार का चक्कर लगाकर वापिस आ जाएगा उसे हम मालामाल कर देंगे। बादशाह का हुक्म मिलते ही बहस करने वाले सारे दरबारी पानी से भरे प्याले के साथ बाजार का चक्कर लगाने निकल पड़े। हैरत की बात तो ये थी कि सारे के सारे दरबारी सही सलामत बाजार का चक्कर लगाकर वापिस आ चुके थे, किसी ने भी प्याले से एक बूंद भी पानी जमीन पर ना गिराया था। अब बादशाह ने उन सब दरबारियों को अपने पास बुलाया और पूछा कि बताओ बाजार कैसा था, बाजार में क्या कुछ देखा? सारे दरबारी कहने लगे, हुजूर गर्दन पर तलवार लटकी हुई थी और दिल में इनाम पाने की चाहत थी, इसलिए हमने बाजार की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। बादशाह कहने लगा, ठीक इसी तरह अगर हमारे दिल में भी अल्लाह का खौफ हो और जन्नत पाने की चाहत हो तो हम अपनी इबादतों को शैतान की सोच से पाक कर सकते हैं। बेशक ये बात सही है कि अगर हमारे दिल में अल्लाह का डर हो और हमारे अंदर जन्नत पाने की चाहत हो तो हम शैतान के सोच से अपनी नमाज को पाक कर सकते हैं। ये बहुत गौर करने वाली बात है कि हम अक्सर कहते हैं कि
हम नमाज पढ़ते हैं और हमको फलां और फलां चीज याद आ जाता है। ये हमारे अंदर की कमजोरी है, ये हमारे अंदर कमी है। तो इस कमी को हम मिटाएं। हमारे अंदर अल्लाह का डर इतना होना चाहिए कि शैतान के वसवसे हमारे नमाज के ध्यान से ना हटाए। हमारे अंदर जन्नत को पाने की इतनी चाहत होनी चाहिए कि हम अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए नमाज में पूरा ध्यान लगा दें। तो हम सभी अपनी इस कमी को दूर करें और अपनी ज़िंदगी में, अपने दिलों में अल्लाह का डर पैदा करें।